हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो है रिस्क असेसमेंट और लैडर सेफ्टी के बारे में। ठीक है, तो रिस्क असेसमेंट से आपको समझ आ रहा होगा कि हमें क्या करना है। सबसे पहले रिस्क को ऑब्जर्वेशन करना है, ऑब्जर्व करने के बाद हमें उसका रिजोल्यूशन करना है। ठीक है, हम उसे कैसे ठीक कर सकते हैं, रिस्क फैक्टर कितना हो सकता है, रिस्क रैंकिंग कितनी हो सकती है, किस तरीके से हम उसका कंस्ट्रक्शन सेफली कर सकते हैं और रिस्क मिटिगेशन हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम रिपेयर कर रहे हैं, किसी ओल्ड बिल्डिंग को रिपेयर कर रहे हैं, वहाँ पे रिस्क क्या है, हाई है, तो हम क्या करेंगे, शॉर्टेज ऑफ मटेरियल। रिस्क फैक्टर क्या है वहाँ पे, शॉर्टेज ऑफ मटेरियल है। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, हम कस्टमर्स से मिलेंगे, क्वालिटी और कॉस्ट पे बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद इन्वेस्ट करेंगे उस पर, कितना हमें इन्वेस्टमेंट करना है हमारे वर्कर्स और स्टाफ को मिला के। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ऑल ओवर जब तक हम असेसमेंट करेंगे उसके अंदर फैक्टर्स आएंगे, रिस्क फैक्टर, प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शंस के लिए जो प्रोजेक्ट के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा वो, और हमारा रिस्क मिटिगेशन क्या है। ठीक है, ठीक है, सिकनेस ऑफ स्टाफ लेबर ये हो सकता है। ठीक है, बीमार पड़ सकता है ना स्टाफ और लेबर। ठीक है, हमारी इमरजेंसी स्केप रूट्स क्या है, ये सारी चीज़ें करना। ठीक है, और हमारी फायर सेफ्टी एग्जिट क्या है, अगर अर्थक्वेक आता है तो हम उसमें क्या कैसे करेंगे, है ना। तो इसके लिए क्या करा जाएगा, जो हम इमरजेंसी टीम है हमारी वो तैयार करेंगे, उसे ट्रेंड करेंगे, तो जाके हम ये सारी चीज़ें सेफ रख पाएंगे। ठीक है, तो रिस्क असेसमेंट का मतलब ही होता है कि हमें सारी चीज़ें ऑब्जर्व करके उसको जो एलिमिनेट कर देना, रिस्क को एलिमिनेट कर देना। ठीक है, तो जब हम देखेंगे तभी हमें पता चलेगा कि रिस्क रैंकिंग क्या है, मतलब हाई है, लो है, मीडियम है, क्या है, रिस्क फैक्टर कितने कितने हो सकते हैं और हम उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं उसको ठीक करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आती हैं हमारे रिस्क असेसमेंट में। ठीक है, अब कोई भी वर्क हम शुरू कर रहे हैं तो देखिए उसमें रिस्क असेसमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसे ही आप वर्क शुरू नहीं कर सकते। ठीक है, जब भी आप किसी बिल्डिंग पे वर्क करने जा रहे हैं तो आपको देखते ही ये ऑब्जर्व करना होगा, उसी के बाद आप वर्क स्टार्ट कर सकते हैं कि आप इसको किस तरीके से टैकल कर सकते हैं। आसपास के और भी बिल्डिंग्स हैं, क्या उनको कोई नुकसान हो रहा है आपके वर्क करने से, अगर हो रहा है तो हम कैसे उसे सेफ रखें, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हम अपने वर्क कर रहे हैं, जिस बिल्डिंग के लिए हम वर्क कर रहे हैं उसे सेफ रख के बाकी सारियों को अनसेफ कंडीशन में डाल दें, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ऐसे तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें वो सारी चीज़ें भी देखनी, अपने आसपास का एटमॉस्फेयर, सारी चीज़ें चेक करके ही हम ऐसा कर पाएंगे कि हम अपना वर्क जो है वो स्टार्ट कर पाएं सेफ्टी के साथ। तो उसके लिए रिस्क असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद रिस्क असेसमेंट तो एक बात अलग ही हो गई कि हम जब भी कोई काम शुरू करेंगे तो रिस्क असेसमेंट करना होगा, हमें सारी रिस्क एलिमिनेट करनी होगी, इस तरीके से वर्क करना होगा। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो एक आता है लैडर सेफ्टी, क्योंकि जब हाइट पे वर्क करते हैं ऊपर जाना नीचे आना क्या होता है, बहुत टाइम पर लैडर यूज़ की जाती है, तो हम लैडर सेफ्टी कैसे रखें। तो देखिए, लैडर सेफ्टी के लिए हमें हमेशा वेयर प्रॉपर फुटवेयर्स हमें वेयर करने होंगे। ठीक है, इस तरीके से स्लीपर्स वगैरह पहन के अगर वर्क करेंगे तो चोट लग सकती है, और हमेशा 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट उसमें बनाना होगा, जैसे कि 2 हैंड्स और 1 फुट ले लीजिए आप, और 2 फीट ले लीजिए और 1 हैंड ले लीजिए, इस तरीके से आप उस पर सेफ्टी मेंटेन रख सकते हैं। इसीलिए ये इतना क्लियरली बताया गया, ऐसा ना हो आप अपने दोनों हाथों में सामान लेके लैडर पे चढ़ रहे हैं, है ना, या फिर आपके पैर में चोट लगी और आप उस पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस तरीके की चीज़ों से बचना है, ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं। प्रॉपर फुटवेयर पहन के ही आप उस लैडर पे वर्क कीजिए, उस लैडर पे जाइए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें शो कर रही है। प्रॉपर वे जो है लैडर पे वर्क करने का वो इस तरीके से है, आपकी पोजीशन ज़रा भी हिलती है, ज़रा भी डुलती है तो आप इस तरीके से गिर सकते हैं, जो आपको नीचे पिक्चर्स में दिखाया जा रहा है। ठीक है, हैवी लोड हमें हैवी ऑब्जेक्ट्स लेके नहीं ऊपर चढ़ना है। ठीक है, हमें उतना टॉप पे जाके भी अपने टोस के ऊपर बैलेंस करके भी नहीं चढ़ना है। ठीक है, लैडर जहाँ भी आपने रखी हुई है, टिका के रखी हुई है, ऐसा ना उसका डायरेक्शन ही गलत हो रहा हो तो ऐसे भी आप गिर सकते हैं। ठीक है, अनबैलेंस ना हो जाए लैडर, और लैडर पे कभी भी कोई भी मटेरियल जैसे कि ऑयल वगैरह ना गिरा पड़ा हो, है ना, इस तरीके का मटेरियल वहाँ कभी नहीं गिरा होना चाहिए। ठीक है, और जो भी आपका जो पोजीशन है वो सेम इसी तरीके से रहेगी, जब भी हाइट पे वर्क कर रहे हैं तो राइट हाइट फॉर द जॉब होना चाहिए, हाइट अच्छी होनी चाहिए, जो बंदा है जो उस पर वर्क कर सकता है वही जाए। ठीक है, स्टेप लैडर यूज़ कर रहे हैं तो उसके लॉक स्प्रेड्स को उसे प्लेस्ड कर दें। ठीक है, जो ये आपको यहाँ दिख रहा होगा इस पिक्चर में,
नॉन स्लिप फीट लेके ही उस लैडर पर चढ़ें, ठीक है। यूज़ लैडर विथ नॉन स्लिप फीट, ऐसा ना हो आपके जो शूज़ हैं वो किसी ऑयल में या ग्रीस में बिगड़े हुए हों जिसकी वजह से आप लैडर से गिर सकें। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो जो भी आपका जो कंस्ट्रक्शन सेफ्टी का वर्क है, कंस्ट्रक्शन पे वर्क है, उसमें आपका ये लैडर सेफ्टी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिस्क असेसमेंट, ये दोनों चीज़ें अगर आप मेंटेन रखते हैं तो आपकी सेफ्टी मेंटेन रहेगी, ठीक है। आप लैडर सेफ्टी की बात इसीलिए की क्योंकि बहुत सारे वर्क कंस्ट्रक्शन पे ऐसे रहते हैं जिनमें लैडर सेफ्टी की बहुत ज़रूरत होती है, लैडर पे वर्क करना पड़ता है। तो क्या होता है, कभी कभी लैडर ही ऐसी ले लेते हैं वो जो बहुत ही रेयर कंडीशन में होती है, जो टूट भी सकती है, मतलब बहुत ही नाजुक होती है, मजबूती नहीं होती है उसमें। तो ये सारी चीज़ें हम क्या नोटिस करते हैं जब JSA होता है, वर्क परमिट जब आपको इशू कराया जाता है, तो उससे पहले जो भी जॉब सेफ्टी एनालिसिस की जाती है उसमें ये सारी चीज़ें इंस्पेक्ट हो जाती हैं, और जो ऐसी जो लेटर्स रहती हैं उनको हम हटा ही देते हैं। पर इन केस आप जब भी वर्क कर रहे हैं तो कोशिश करें कि अपनी तरफ से भी सेफ्टी रखें, ऐसा ना हो कि आपकी फीट जो है वो किसी स्लिपरी चीज़, स्लिप होने वाला चीज़ मटेरियल में बिगड़ा हुआ हो, या आपकी पोजीशन गलत हो, या आप किसी और ही डायरेक्शन में रह के वर्क कर रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको नोटिस करनी होंगी, आपने क्या PPEs वेयर किए हैं, कैसे आप चढ़ रहे हैं, कैसे आप क्या वर्क कर रहे हैं, क्या क्या ऑब्जेक्ट्स या मटेरियल आपने अपने साथ ले रखा है, कोई ज़्यादा भारी सामान और यूज़लेस सामान तो नहीं लेके गए, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या है सेफ्टी लैडर रख सकते हैं। और बाकी रिस्क असेसमेंट के बारे में मैंने आपको बताया कि रिस्क असेसमेंट आपको कैसे करना होगा, वही आपको रिस्क फैक्टर चेक करना होगा, रिस्क एनालाइज करना होगा, उसको एलिमिनेट कैसे करना, उसका सब रिजोल्यूशन ढूंढना होगा। सारी चीज़ें रिजॉल्व करेंगे तो आपका रिस्क असेसमेंट हो पाएगा, ठीक है। तो आज ही मैंने आपको दो चीज़ों के बारे में बताया, एक लैडर सेफ्टी के बारे में बताया और दूसरा रिस्क असेसमेंट के बारे में, ठीक है। ये दोनों टॉपिक जो हैं वो कंस्ट्रक्शन सेफ्टी के लिए ही हैं। इस तरीके से कंस्ट्रक्शन सेफ्टी में ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को नोट करके इनके लिए रिजोल्यूशन बना के, इनके लिए क्या क्या हम कैसे सेफ्टी रख सकते हैं पॉइंट्स बना के, सारी पॉलिसीज़ जनरेट होती हैं, ठीक है। ऐसी कोई भी वर्क नहीं किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड करने के बाद आप लैडर पे वर्क कर रहे हैं तो आपको ऐसा काम करना है, आप किसी ग्राउंड फ्लोर पे वर्क कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक वर्क कर रहे हैं, तो इस तरीके से वर्क करना है, ये सारी चीज़ें उसमें बताई जाती हैं, ठीक है। सो थैंक यू।